हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो जो कल हमने सीरीज स्टार्ट की थी वो हमारे पास थी टाइम एंड वर्क की। और आज की जो क्लास है ये है आपकी क्लास नंबर 2। तो जिसको टाइम एंड वर्क के बेसिक क्वेश्चंस देखने हैं वो क्लास नंबर 1 हमारी देखो। इस क्लास 1 में बिल्कुल बेसिक यानी इनिशियल स्टेप्स से जो हमारे क्वेश्चंस स्टार्ट होते हैं वो हमने डिस्कस किए थे। तो जो क्लास नंबर 2 होने वाली है हमारी वो कल वाले क्वेश्चंस से थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चंस होंगे भी। तो चलिए, आज का जो पहला क्वेश्चन हमारे पास है वो हमारे पास क्या है। ए मैन, ए वुमेन एंड ए बॉय कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज, 30 डेज एंड 60 डेज रिस्पेक्टिवली। हाउ मैनी बॉयज मस्ट असिस्ट टू मैन एंड 8 वुमेन सो एज टू कंप्लीट द वर्क इन 2 डेज। एक पुरुष, एक स्त्री, एक लड़का किसी काम को 20, 30, 60 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो 2 दिनों में काम खत्म करने के लिए 2 पुरुष तथा 8 स्त्रियों के साथ कितने लड़कों की जरूरत होगी। यानी हमें निकालने हैं भी हमारे पास बॉय कितने होंगे। ठीक है, तो कल ये क्वेश्चन हमने कुछ ऐसा ही डिस्कस किया था, तो उसी सीरीज में हम इस क्वेश्चन को आज सॉल्व करते हैं। भी देखो, मैन कितने दिनों में, 20 डेज में। वुमेन कितनी डेज में, 30 डेज में। और हमारे पास बॉय जो है ये कितने दिन में, 60 डेज में। तो पहला, जैसे मैंने कल बताया था आपको, फर्स्ट स्टेप जो हमारे पास रहता है वो हमारे पास क्या रहता है भाई, एलसीएम लेना। तो एलसीएम हमारे पास कितना आ गया, 60। तो ये 60 हमारे पास एक हिसाब से क्या आता है, ये हमारे पास आता है टोटल वर्क। तो ये जो 60 हमारे पास आता है ये आता है टोटल वर्क। तो सेकंड स्टेप जो हमारे पास था वो हमारे पास क्या रहता है भाई, एफिशिएंसी फाइंड आउट करना। तो मैन की एफिशिएंसी कितनी आ चुकी है, 3। वुमेन की एफिशिएंसी आ चुकी है 2। और बॉय की एफिशिएंसी कितनी आ चुकी है, 1 आ चुकी है। तो अब देखो, ये वर्क हमें कितने दिन में खत्म करना है। अगर हम यहां देखें तो ये वर्क हमें खत्म करना है 2 दिनों में। ठीक है, तो 2 डेज में कंप्लीट करना है। किसके साथ भी, हमारे पास 2 तो मैन होने चाहिए, उनके साथ 8 वुमेन होनी चाहिए, और अगर हम लिखें कि एक्स बॉय होने चाहिए, तो ये हमें एक्स की वैल्यू यहां पे फाइंड आउट करनी है। तो एक बात बताओ भाई, एक आदमी की एफिशिएंसी अगर हमारे पास 3 है तो 2 आदमियों की एफिशिएंसी कितनी हो गई भाई, 6 हो गई। एक वुमेन की एफिशिएंसी अगर 2 है तो 8 वुमेन की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 8 × 16। ठीक है, तो 16 और 6 22 भाई, 22 एफिशिएंसी तो यही हो गई हमारे पास। और अगर हमें वर्क 2 डेज में कंप्लीट करना है तो इसका मतलब क्या है भाई, 60 जो वर्क था इसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा 30 की एफिशिएंसी से। ठीक है, तो इस 30 की एफिशिएंसी में 22 एफिशिएंसी तो हमारे पास यहां है ही, तो यानी जो रिमेनिंग 8 एफिशिएंसी जो रह गई, ये 8 एफिशिएंसी किसकी होनी चाहिए, बॉयज की होनी चाहिए। ठीक है, तो बॉय की एफिशिएंसी अगर हम यहां देखें तो 1 ही तो है, तो 8 की एफिशिएंसी बनाने के लिए हमारे पास यहां कितने बॉयज चाहिएंगे भाई, 8 बॉयज हमें यहां चाहिएंगे। तो हमारे पास पहला आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर ए, यानी 8 बॉयज हमें यहां पे चाहिएंगे भी। ठीक है, तो आई होप सबको समझ आया होगा क्योंकि ये क्वेश्चन हमने कल भी किया है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, 1 man 1 woman टूगेदर कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज, ए मैन अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन 10 डेज, इन हाउ मेनी डेज कैन 1 woman अलोन कंप्लीट द वर्क। एक पुरुष, एक महिला मिलकर किसी काम को 8 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, एक पुरुष अकेले 10 दिन में समाप्त कर सकता है, तो एक महिला अकेली काम को कितने दिनों में समाप्त करेगी। ठीक है, तो एक वुमेन, 1 woman जो है वो कितने दिन में उस काम को क्या कर देगी भाई, कंप्लीट कर देगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए, किस तरीके से इस क्वेश्चन को करते हैं भाई, 1 man + 1 woman
ये कितने दिनों में करते हैं? भाई ये करते हैं 8 days में। और एक मैन अकेला, वन मैन एलोन कितने दिन में करता है? 10 दिन में। तो पहला स्टेप वही एलसीएम होगा हमारे पास, 40, 8 5s और 10 4s, ठीक है। एक मैन और एक वुमेन की कंबाइंड एफिशिएंसी आ गई कितनी? 5। एक मैन की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 4। तो इस हिसाब से वन वुमेन की एफिशिएंसी 5 - 4 कितनी हो गई? भाई 1 हो गई। तो एक वुमेन से ही तो काम करवाना है, एक वुमेन से। तो एक वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है? 1। टोटल वर्क कितना है? 40। तो कितने डेज लगेंगे भाई? तो डेज लगेंगे 40 / 1 = 40 days। तो ये हमारे पास सेकेंड आंसर आ चुका है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो हमारे पास है, 40 days, ठीक है। तो ज्यादा मैन और वुमेन वाले क्वेश्चन से घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल सिंपल ये क्वेश्चन आपको गिवन होंगे, बस आपको क्या करनी है, स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से समझना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ए मैन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 days, नहीं, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 days एंड बी इन 40 days इफ दे वर्क ऑन इट टूगेदर फॉर 5 days, यानी ये दोनों एक साथ 5 दिन मिलकर काम करते हैं, तो फ्रैक्शन ऑफ द वर्क दैट इज लेफ्ट इज, तो यानी हमारे पास क्या निकालना है, हमें फ्रैक्शन चाहिए, और फ्रैक्शन किसका चाहिए? हमें चाहिए भाई रिमेनिंग वर्क का। किसका चाहिए? हमें फ्रैक्शन चाहिए रिमेनिंग वर्क का। चलिए भी, तो ए करता है 20 दिन में और बी करता है 40 दिन में। तो पहला स्टेप एलसीएम कितना आ गया? 40। ए का एफिशिएंसी 2 आ गई और बी की एफिशिएंसी 1। तो ये लोग देखो, दोनों मिलकर अगर कार्य करेंगे तो एफिशिएंसी कितनी हो गई? 3। तो 3 × 5 = 15। तो 15 काम इन्होंने कर दिया, ठीक है। अब 15 काम तो हो चुका ना, हमें चाहिए रिमेनिंग वर्क। तो रिमेनिंग वर्क कैसे आएगा? रिमेनिंग वर्क आएगा 40 - 15 = 25। ये 25 वर्क रिमेनिंग है, लेकिन हमें रिमेनिंग वर्क नहीं निकालना था, हमें निकालना था उसका फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट करते हैं? फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट करोगे? फ्रैक्शन आएगा 25/40, ठीक है। तो यानी कितना रह गया? 5/8 वर्क जो है वो हमारे पास रह चुका है, यानी रिमेनिंग वर्क जो है वो हमारे पास कितना है? 5/8। तो यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा आंसर हो चुका है। आगे चलते हैं। ए बी एंड सी टुगेदर अर्न ₹150 per day वाइल ए एंड सी टुगेदर अर्न ₹94, बी एंड सी टुगेदर अर्न 76। द डेली अर्निंग ऑफ सी, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ए प्लस बी प्लस का सी, ये तीनों मिलकर कितने रुपए कमाते हैं? अभी 150 रुपए कमाते हैं। ए और सी मिलकर कितने रुपए कमाते हैं? 94 रुपीज कमाते हैं। इसी तरीके से बी और सी मिलकर कितने रुपए कमाते हैं? 76 रुपीज कमाते हैं। तो आपको क्या बताना है? आपको बताना है भाई सी जो है ये कितने रुपए कमाएगा। तो चलिए भी, सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं। देखो आप लोग इक्वेशन फॉर्म करनी, ए प्लस बी प्लस सी टोटल 150 रुपए कमाते हैं, तो इसके हिसाब से बी कितना कमाएगा? 150 - 94, तो यानी ये बी कमाएगा 56 रुपीज। अब ये जो बी की वैल्यू है इसको हम लोग कहां रख देते हैं? इस सेकेंड इक्वेशन में। तो आपको पता है बी और सी मिलकर टोटल कितने कमाते हैं? 76 रुपीज, और B की वैल्यू कितनी है? 56 + C = 76। तो C की वैल्यू कितनी आ गई? 76 - 56 = 20 रुपीज। तो C जो कमाएगा वो कितने रुपए कमाएगा? पर डे 20 रुपए। तो ये आपका आंसर हो चुका है ऑप्शन नंबर B। तो ऑप्शन नंबर B हमारा क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है। चलिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? A, B and C are employed to do a piece of work for 575 rupees. भाई ABC को मैंने 575 रुपए का काम दे दिया, ठीक है। A और C जो हैं
ये कितना कार्य करने वाले थे, ये करने वाले थे 19/23 वर्क, ठीक है। तो आपसे पूछा गया अमाउंट शेल बी पेड टू बी। अब देखो ए और सी ने अगर 19/23 वर्क कर दिया तो जो रिमेनिंग वर्क है, तो जो रिमेनिंग वर्क है वो कौन करेगा भाई, वो करने वाला है बी। तो रिमेनिंग वर्क निकाल लेते हैं, 1-19/23, तो ये आप डायरेक्ट भी कर सकते थे 4/23। डायरेक्ट कैसे करना है भी, 23 काम में से अगर 19 काम हो चुका तो बचेगा कितना, 4 काम बचेगा, 4 काम 23 के ऊपर, ठीक है। तो बी का जो अमाउंट है, बी का जो अमाउंट है वो कैसे आएगा, 4/23 काम किया और इनटू में 575। तो काट लेते हैं भाई, 23 × 46 और 23 × 5 = 115, तो 25 × 100 रुपए। तो बी को जो हिस्सा मिलेगा वो मिलेगा कितना, 100 रुपए। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा क्या हो चुका है, आंसर हो चुका है। चलिए भी नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ए कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन एम डेज एंड बी कैन कंप्लीट इट इन एन डेज, हाउ मेनी डेज विल इट टेक टू कंप्लीट द वर्क इफ बोथ ए एंड बी वर्क टूगेदर। ए किसी काम को करता है भी कितने दिन में, एम डेज में, बी किसी काम को करता है एन डेज में। तो आपसे पूछा गया ए प्लस बी दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एलसीएम मैंने लिया एम एन, इसकी एफिशिएंसी एन आ गई, इसकी एफिशिएंसी एम आ गई, तो एम एन अपॉन में एम प्लस का एन। और यही हमारे पास क्या होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक शॉर्ट ट्रिक बोलते हैं। तो शॉर्ट ट्रिक के ऊपर हमें नहीं जाना है, हमें जो मेन चाहिए वो हमारे पास चाहिए हमारा कॉन्सेप्ट, ठीक है, वो हमारा कॉन्सेप्ट हमें चाहिए। कई बुक्स में ये लिखा भी मिलेगा ए बी अपॉन में ए प्लस बी, तो ए बी क्या है, मैन ए, बी क्या है, मैन बी, तो ये भी आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, ठीक है। तो शॉर्ट ट्रिक्स के ऊपर नहीं जाना है, आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलो और वो कॉन्सेप्ट ही आपका क्या बन जाएगा, आपकी ट्रिक बन जाता है। चलिए तो यानी इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है, एम एन अपॉन में एम प्लस एन, यानी ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा क्या है, आंसर है। चलिए भी नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज व्हाइल बी कैन डू इट इन 12 डेज, बी वर्कड एट इट फॉर 9 डेज, ए कैन फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन। अब देखो ए ने किसी काम को 20 दिन में किया, बी उसी काम को 12 दिन में करता है, एलसीएम 63 एंड यहां कितना आ गया 5। अब ये क्या कहता है, बी वर्कड एट इट फॉर 9 डेज, बी ने इस पे 9 दिन काम किया, तो यानी कितना काम कर दिया होगा, 45, ठीक है। तो 60 में से 45 काम तो हो चुका ना, तो जो रिमेनिंग वर्क हमारे पास आया वो आया 60 - 45 = 15। अब ये 15 काम, देखो स्टेटमेंट में लिखा भी हुआ है ए कैन फिनिश द रिमेनिंग वर्क, अब ये जो रिमेनिंग वर्क जो था हमारे पास वो किससे करवाना है, वो करवाना है हमें ए से। तो ए की एफिशिएंसी हमारे पास कितनी है, 3 है, तो 15/3 यानी हमारे पास आंसर आ चुका कितना, 5 डेज, ठीक है भी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा क्या हो चुका है, आंसर हो चुका है। फिर से बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, अगर आप क्लास 1 देख के आए हो तो ये क्वेश्चंस आपको बिल्कुल सिंपल सिंपल लगेंगे, ठीक है। चलिए भी, इफ देयर इज ए रिडक्शन इन द नंबर ऑफ वर्कर्स इन ए फैक्ट्री इन द रेशो 15:11 एंड द इंक्रीमेंट इन देयर वेजेस इन द रेट 22:25, देन द रेशो बाय विच द टोटल वेजेस ऑफ वर्कर्स शुड बी डिक्रीज्ड इज। देखो वर्कर्स डिक्रीज हुए 15:11 में, ठीक है, ये थे हमारे पास क्या, वर्कर्स, ठीक है, और इनकी वेजेस जो है वो बढ़ गई, वो किस रेशो में बढ़ी, 22:25, ये हमारे पास क्या थी, इनकी वेजेस, वेजेस को हम लोग क्या समझ सकते हैं अभी, सैलरी। तो आपसे पूछता है किस रेशो में, किस रेशो में इनकी जो सैलरी है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को दो तीन तरीके से कर सकते हो भी, देखो अगर मैं 150 पहले वर्कर्स की सैलरी मान लो और दूसरे वर्कर्स की मान लो 110, तो पहले कितने थे, 22 थे ना भाई,
और बाद में कितने हो गए, 25 हो गए। आप इस तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि जीरो से जीरो आपकी क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। तो ये हमारे पास कितना आ गया, ये हमारे पास आ गया 300, नहीं 15, 3, 30, ठीक है, रेशो में 275, 330 रेशो में 275। अब इसी का हमें क्या निकालना है, रेशो निकालना है, तो हम 11 से काट देते हैं भाई, 30 रेशो में 25, तो यानी 6:5 की रेशो में, 6:5 की रेशो में जो आपकी सैलरी है वो क्या हो चुकी है, डिक्रीज हो चुकी है। तो 6:5 हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है भाई। तो 6:5 ध्यान से लगाना है, 6:5 हमारा आंसर होगा, ना कि 5:6, ठीक है, 6:5। तो ये हमारा क्या हो चुका है, आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, आंसर। अब इस क्वेश्चन को इतना लंबा ना करने की बजाय हम लोग क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई ही नहीं करते इन चीजों को भाई। हमारे पास क्या मिला, 15 × 22 रेशो में 11 × 25, तो 11 दो पे काट दिया, ठीक है, 5 दिया 15, 5×5=25, तो ये कितना आ गया, 6:5। तो ये हमारे पास डायरेक्ट क्या है भाई, एग्जाम की अप्रोच है, ये हमारे पास क्या है, एग्जाम अप्रोच है। तो यही हमें चीजें फॉलो करनी है कहां पे, एग्जाम में। चल नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इन टू डेज ए बी एंड सी टुगेदर कैन फिनिश हाफ ऑफ ए वर्क, एंड इन अनदर टू डेज बी एंड सी टुगेदर कैन फिनिश 3/10 पार्ट ऑफ द वर्क, देन ए अलोन कैन कंप्लीट द होल वर्क इन। चलिए तो ये क्या कहता है, ए प्लस बी प्लस सी, ये क्या कहता है, हाफ वर्क कितने दिन में कंप्लीट होता है, ये हाफ वर्क कंप्लीट होता है 2 days में। तो एक बात बताओ, अगर ए प्लस बी प्लस सी टोटल वर्क कर दें तो कितने दिन लगेंगे भाई, 4 days लगेंगे। इसी तरीके से अगर बी और सी, ये कहता है भी 3/10 पार्ट करते हैं, कितने दिन में, अनदर 2 days, यहां पे लिखा हुआ है अनदर 2 days। तो अगर इनसे भी हम लोग कंप्लीट वर्क करवा लें तो ये कितना दिन लगेंगे, 20/3 days। कल भी मैंने बताया था, जब भी आप एलसीएम लेने जाओ तो आपके पास कंप्लीट वर्क होना चाहिए, क्या होना चाहिए भाई, कंप्लीट वर्क होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास क्वेश्चन क्या बना, ए प्लस बी प्लस सी किसी काम को 4 दिन में कर सकता है, बी प्लस सी किसी काम को 20/3 दिन में कर सकता है। तो एलसीएम कितना आ गया, 20, इसकी एफिशिएंसी 5, इसकी एफिशिएंसी 3। तो अब ये काम हमें किससे करवाना है, ए अलोन से, ए अकेले से। तो एक बात बताओ, तीनों की क्षमता मिलाकर 5 है, B प्लस सी की 3 है, तो A की कितनी आ गई, A की बच गई 2, तो 20 काम को 2 की क्षमता से कितने दिन में कर देगा भाई, ये 10 डेज में कर देगा। तो यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा क्या हो चुका है, आंसर हो चुका है, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ पी एंड क्यू, एक कार्य को समाप्त करने के लिए पी तथा क्यू की कार्य क्षमता, कार्य क्षमता होता है एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी जो है पी की और एफिशिएंसी जो है क्यू की, ये कितनी होती है, 3:4 होती है। तो काम को खत्म करने के लिए दोनों के द्वारा लिए गए दिनों का अनुपात क्या होगा। अब एक बात आपको यहां समझनी है भी, जो एफिशिएंसी है ये रेसिप्रोकल होती है किसके, डेज के, रेसिप्रोकल यानी विपरीत अनुपात में है, ठीक है। अगर एफिशिएंसी बढ़ेगी तो सीधी सी बात है भी डेज कम लगेंगे। तो सेम केस यहां पे है, अगर EP/EQ रेशो कितना है, 3:4, तो डेज कितने लग जाएंगे, डेज क्या हो जाते हैं, पलट जाएंगे, यानी 4:3, तो डेज की रेशो कितनी आ गई, 4:3, तो 4:3, यानी फोर्थ ऑप्शन जो हमारे पास है, डी जो है वो मेरा आंसर है। ध्यान रहे 3:4 हमारा आंसर नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्योति कैन डू 3/4 ऑफ ए जॉब इन 12 days, माला इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज ज्योति, ज्योति किसी काम का 3/4 भाग 12 दिन में समाप्त कर सकती है, तो माला की कार्य क्षमता ज्योति की दोगुनी है।
तो माला उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगी। भाई अगर माला की कार्य क्षमता डबल है, भाई एक बात बताओ, अगर एफिशिएंसी 2 times है तो जो डेज होंगे वो क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे भी। चलिए तो ज्योति जो है 3/4 वर्क कितने दिनों में, 12 दिनों में कंप्लीट कर देती है। तो टोटल वर्क कितने दिन में करेगी, ये टोटल वर्क कैसे निकालोगे भाई, इस सारे को उधर ले जाते हैं तो 12 × 4/3 तो ये कितना आ गया, 16 डेज। तो ज्योति कंप्लीट कर देगी 16 दिन में, ज्योति कंप्लीट कर देगी 16 दिन में। अब यहां देखो माला की जो एफिशिएंसी है वो ज्योति की कितनी है, 2 times है कि नहीं। अब ज्योति डबल अगर माला काम करती है ज्योति से तो डेज क्या हो जाएंगे, 16/2 = 8 days। तो यानी माला कितने दिन में कंप्लीट कर देगी इसे, 8 दिन में। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारा क्या हो गया, आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा आंसर है। चलिए ए इज ट्वाइस एज गुड एज ए वर्कमैन एज बी एंड बी इज ट्वाइस एज गुड ए वर्कमैन एज सी। If A and B can together finish a piece of work in 4 days, then C can do it by himself. A की कार्य क्षमता जो है वो B की दोगुनी है, B की जो कार्य क्षमता है वो C की दोगुनी। A और B किसी काम को 4 दिन में खत्म करते हैं। तो अब देखो अगर तीन efficiencies आपको दे दे तो हम लोग क्या लिखेंगे भी, A की जो efficiency है रेशो B की जो एफिशिएंसी है रेशो में सी। तो ये हमारे पास क्या आ गई भाई, एफिशिएंसी आ चुकी है। ए इज ट्वाइस एज गुड ए वर्कमैन एज बी। तो अगर मैं सी की एफिशिएंसी 1 मानूं तो बी की कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। क्यों, देखो यहां दिया हुआ है बी की जो कार्य क्षमता है वो सी की डबल है। तो सी का डबल कौन है भाई, बी है। और बी का डबल कौन है, ए है। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 4। तो अब देखो A और B can together finish a piece of work in 4 days. अब A और B अगर मिलकर काम करें तो 4 और 2 = 6 हो गया। A और B की efficiency कितनी हो गई, 6। कितने दिन काम करते हैं, 4 दिन। तो total work कितना आ गया हमारे पास, 24 days। अब यही काम किससे करवाना है हमें, हमें करवाना है सिर्फ C से। तो C की efficiency तो 1 है, तो काम है हमारे पास, ये days नहीं है भाई, ये 24 वर्क है, ये 24 वर्क है भाई, ठीक है। तो 24 हमारे पास क्या था, वर्क था। तो अब ये काम किससे करवाना है, सी से करवाना है। तो 24/C की एफिशिएंसी 1, तो कितने दिन लग जाएंगे भाई, 24 डेज लग जाएंगे, ठीक है। तो सी कितने दिन में कर देगा, 24 दिनों में इस कार्य को समाप्त कर देगा। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा क्या है, आंसर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम एफिशिएंसी बेस्ड है, तपस वर्क्स ट्वाइस एज फास्ट एज मिहिर इफ बोथ ऑफ देम टुगेदर कंप्लीट ए वर्क इन 12 days, ठीक है। तो यहां पे देखो भी, तपस वर्क्स ट्वाइस एज फास्ट एज मिहिर। तो एक बात बताओ, अगर तपस दोगुना तेजी से कार्य खत्म कर देता है तो यानी उसकी एफिशिएंसी तो डबल होगी ना, किससे, मिहिर से, ठीक है। तो तपस और मिहिर इनकी एफिशिएंसी, तपस वर्क्स ट्वाइस एज फास्ट एज मिहिर, तो तपस की एफिशिएंसी 2:1 है और डेज का रेशो कितना हो जाएगा, 1/2। देखो आ गया ना, ट्वाइस एज फास्ट एज मिहिर। तो अब ये देखो, इफ बोथ ऑफ देम टुगेदर कंप्लीट ए वर्क इन 12 days, दोनों मिलकर 12 दिन में काम कर देते हैं, तो दोनों मिलकर करेंगे तो एफिशिएंसी कितनी हो गई, 3। तो वर्क हमारे पास कितना आ गया, 3 × 12, यानी टोटल वर्क हमारे पास कितना आ गया, 36। अब ये काम किससे करवाना है, ये काम हमें करवाना है तपस से, तपस से करवाना है। तो सिर्फ तपस की एफिशिएंसी लेनी पड़ेगी। तो तपस कितने दिन में कार्य कर देगा भाई, तपस हमारा कार्य कर देगा 36/2, यानी कि 18 डेज में आपका वर्क क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर बी जो है
वो हमारा क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। 20 मेन टुगेदर कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज। 20 वुमेन कितने दिन में? 16 डेज में, ठीक है। 16 मेन 15 डेज में ये कार्य खत्म कर देते हैं, ठीक है। द रेशियो ऑफ द वर्किंग कैपेसिटी ऑफ ए मैन टू दैट ऑफ ए वुमेन इज, तो चलिए अभी देखते हैं। तो जब ये दोनों ही वर्क कंप्लीट कर रहे हैं तो यानी वर्क तो हमारे पास क्या है, सेम हो गया। तो वर्क अगर सेम है तो क्या मैं लिख सकता हूं 20 वुमेन इंटू में 16 इज इक्वल टू 16 मैन इंटू में 15। तो 16 से 16 हमारा हो गया कैंसिल। तो मैन और वुमेन, देखो यहां पे ध्यान से, मैन रेशो वुमेन हमें चाहिए। तो इस वुमेन की एफिशिएंसी को इधर लेके आना पड़ेगा। तो 20/15 इज इक्वल्स टू m/w। तो रेशो अगर हम निकालें तो 5 चौके 20 और 5 किया 15। तो मैन और वुमेन की रेशो कितनी आ गई? 4:3। तो 4:3, देखो 3 into 4 नहीं होगा, 4:3 हमारा क्या होगा आंसर। तो यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 6 men 8 women कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days। क्या कहता है भाई? 6 आदमी और 8 महिलाएं किसी कार्य को 10 दिन में कर देते, ठीक है। तो बताओ 3 men और 4 women कितने दिन में करेंगे? तो सीधा सा दिखता है भाई, अगर एफिशिएंसी कम हो गई तो जायज सी बात है डेज जो होंगे वो ज्यादा लगेंगे। तो 6 men का कितना हो गया? 3 men। 8 women का कितना हो गया? 4 women। तो यानी एफिशिएंसी कितनी हो गई? हाफ हो गई ना। तो एफिशिएंसी अगर हाफ हो गई तो डेज को हम लोग क्या कर देंगे? 2 से गुणा कर देंगे। तो डेज 2 से गुणा हो जाएंगे तो 10 का कितना हो गया? 20 days। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर कितना है? 20 days। कौन करेगा? 3 men और 4 women। तो बी ऑप्शन जो है वो हमारा क्या है भाई? आंसर है, ठीक है भाई। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। अगर किसी को कोई डाउट हो किसी क्वेश्चन में तो वो नीचे कमेंट सेक्शंस में भी हमें बता सकता है भाई। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 5 men and 2 women वर्किंग टुगेदर कैन डू 4 times as much work per hour एज ए मैन एंड ए वुमेन टुगेदर। द वर्क डन बाय ए मैन एंड ए वुमेन। तो फिर से मैन और वुमेन की हमें क्या चाहिए? रेशियो चाहिए। तो ध्यान से, 5 पुरुष और 2 स्त्रियां मिलकर 1 पुरुष तथा 1 स्त्री के प्रति घंटे काम के 4 गुना काम कर सकते हैं। तो यानी 4 times work हो गया और ये कर कौन रहा है? ये कर रहा है 5 men और 2 women। किसके कंपैरिजन में भाई? 1 man और 1 woman के कंपैरिजन में। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहां कितना आ गया? 4 men plus 4 women = 5 men + 2 women। तो मैन को एक तरफ कर देते, ये 4 इधर आकर माइनस हो जाएगा और ये 2 इधर आकर माइनस हो जाएगा। तो क्या मिला? 2W = 1M। W को नीचे ले जाते हैं, 2:1 = m/w। तो ये क्या आ गया हमारे पास? 1 man और 1 woman की वर्किंग एफिशिएंसी। तो 2:1 मैन एंड वुमेन की रेशो चाहिए। ध्यान से, 1:2 नहीं होगा, रेशो कितनी होगी? 2:1। यानी फिर से ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां क्या कहता है भाई? 8 men और 12 boys, और का मतलब होता है इक्वल, ठीक है। तो इस बात का मतलब क्या है? 8 आदमी या 12 बच्चे किसी काम को कितने दिन में कर देते हैं? 16 दिन में। तो बताओ द डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क बाय 20 men and 6 boys।
अब 20 आदमी और 6 बॉयज ये कितने दिन में करेंगे? तो यहां से हम लोग एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। इस बात का मतलब क्या है, 8 men is equals to 12 boys, तो men और boys की जो एफिशिएंसी आ गई वो कितनी आ गई, 3/2। ये क्या आ गई हमारे पास, इनकी एफिशिएंसी आ गई भाई। ठीक है, तो यहां से हमें सबसे पहली चीज क्या निकालनी पड़ेगी, हमें वर्क निकालना पड़ेगा। तो वो आप कहीं से भी निकाल सकते हो। 8 आदमी है, एक की एफिशिएंसी 3 है, 8 आदमी है, एक की एफिशिएंसी 3 है, तो 8 आदमियों की कितनी हो गई भाई, 8 आदमियों की एफिशिएंसी हो गई 24। कितने दिन लग गए, 16 दिन। तो वर्क कितना आ गया, 24 गुना में 16। इसको मल्टीप्लाई नहीं करना क्योंकि लास्ट में भी हमें क्या करना है, काटना है। अब यही काम हमें करवाना है 20 मैन, यानी एक की एफिशिएंसी 3 है तो 20 की 60 हो गई। 6 लड़के हैं, एक लड़के की एफिशिएंसी 2 है तो 6 की कितनी हो गई, 12। तो 60 और 12 टोटल एफिशिएंसी कितनी हो गई, 72। अब इस 72 की एफिशिएंसी से हमें वर्क करवाना है, तो कितने दिन लग जाएंगे, कितने दिन लगेंगे भाई, 24 गुना में 16/72। तो 24 दिया 72, 16/3, और 16/3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 सही 1/3, 5 सही 1/3, 5 1/3। ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया भाई, ऑप्शन नंबर ए जो है, ये हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा आंसर है भाई। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चंस हैं आपके जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है 10 men 20 women और 40 children can do a piece of work in 7 months। तो देखो और का मतलब इक्वल, तो इसको लिख दूं मैं 10 men is equals to 20 women is equals to 40 children। तो यहां से मुझे क्या मिला, एक मैन जो है वो 2 वुमेन के बराबर है और किसके बराबर है, 4 बच्चों के। ये हमारे पास रिलेशन आ गया। तो यहां से हम लोग क्या निकाल लेते हैं, इनकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं भाई। सबको बराबर अगर हमें करना है तो यहां पे देखो हमें क्या लेके आना पड़ेगा, 12 लेके आना पड़ेगा। तो यहां पे मैं लिख देता हूं 12 बराबर है, यहां पे W की जगह क्या लिखना पड़ेगा, 2 × 6 बराबर है 4, और C की जगह क्या लिखना पड़ेगा, 2 × 3। तो यानी एक मैन की एफिशिएंसी 12 आ गई, एक वुमेन की एफिशिएंसी 6 आ गई, और एक चाइल्ड की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 3। मैन की एफिशिएंसी 12, वुमेन की एफिशिएंसी 6, और बच्चे की एफिशिएंसी 3, ये एफिशिएंसीज आ गई। तो अब ये देखो क्या कहता है, देन 5 men 5 women and 5 children किससे करवाना है, 5 men 5 women और 5 children इनसे कार्य करवाना है। तो मैन की एफिशिएंसी 12 × 5 = 60, वुमेन की एफिशिएंसी 6 × 5 = 30, और बच्चे की एफिशिएंसी 5 × 15, तो 60 × 30 = 90, 90 और 15 ये टोटल एफिशिएंसी आ गई 105। लेकिन इस क्वेश्चन में एक और चीज है, कितना काम करवाना है, कैन डू हाफ ऑफ द वर्क इन। तो यहां पे देखो वर्क निकाल देते हैं, यहां पे हम लोग वर्क निकाल देते हैं। चलिए किसी से भी आप निकाल सकते हो, 10 मैन में ले लेता हूं, तो 10 आदमी 12 की क्षमता से कितने दिन कार्य करते हैं, 7 मंथ। तो ये वर्क आ गया। अब यही काम किससे करवाना है, 105 की एफिशिएंसी से। तो ये देखो 15 × 7 = 105, 5 × 3 = 15, 5 × 2 = 10, और 3 × 4 = 12। तो ये कितना लगेगा, ये लगेगा भी 8 months। ठीक है, और यहां पे आप उलझ जाओगे, 8 months ऑप्शन में गिवन है लेकिन 8 month से तो कंप्लीट वर्क हो रहा है, तो हमें कितना करवाना था, हमें तो हाफ वर्क करवाना था ना, तो हाफ वर्क करने के लिए कितने मंथ लग जाएंगे, 4 months लग जाएंगे। ये 4 month हमारा आंसर होगा। और अगर आप यहां नहीं करना चाहते तो आप एक्चुअल में क्या कर दो, इस वर्क का क्या कर देंगे हम, यहां पे भी हाफ कर सकते हैं। ठीक है, तो वो आप चाहे यहां कर लो चाहे लास्ट में जाके वर्क को क्या कर देना है, हाफ कर देना है। तो आंसर है 4 months।
तो 4 months यानी ऑप्शन नंबर बी जो है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टेटमेंट में थोड़ा सा इसने क्या लिख दिया, चेंज कर दिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या है भाई आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टू मैन एंड थ्री बॉयज कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days। तो ये क्या कहता है, टू मैन प्लस का थ्री बॉयज कितने दिन में, 10 days में, वाइल थ्री मैन तीन आदमी प्लस में दो बॉय कितने दिन में, 8 days में। और यही काम हमें करवाना है किससे, दो मैन प्लस वन बॉय, ये कितने दिन में करेंगे। तो यहां से हमें पहले क्या निकालनी पड़ेगी, मैन और बॉय की एफिशिएंसी। तो डेज से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, वन डे बन जाएगा। तो यहां पे हमारे पास क्या बन गया, 20 मैन प्लस का 30 बॉयज इज इक्वल्स टू 24 मैन प्लस का 16 बॉयज। तो मैन को इधर ले आते हैं, बॉयज को इधर ले आते हैं, तो 30 में से 16 गए, कितने बच गए, 14 बॉयज इज इक्वल्स टू 4 मैन। तो मैन और बॉयज की रेशो कितनी आ गई, बॉयज को यहां लेके जाना पड़ेगा, ध्यान रखना है, बॉयज को अगर आप यहां लेके जाओगे तो ये कितना होगा, 14/4, तो ये हो गई 7/2। ये हमारे पास क्या आ गई, मैन और बॉय की एफिशिएंसी आ गई। अब वर्क हमें निकालना है, वर्क निकाल लेते हैं भाई, टू मैन, टू मैन यानी 7 × 14 प्लस में थ्री बॉयज, तो 3 × 6, तो 14 और 6 20 की क्षमता से, ठीक है, 20 की क्षमता से कितने दिन कार्य किया, 10 दिन भी। तो वर्क कितना आ गया, 200 काम आ गया ना। अब ये 200 काम किससे करवाना है, दो तो आदमी है, तो 7 × 14 प्लस का वन बॉय है प्लस का 2, तो 14 और 2 16, तो 200/16 कितना आ गया अभी, 50/4, 25/2, यानी आपका आंसर कितना है, 12.5 दिन आपका आंसर है। कितना आंसर है भाई, 12.5। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा क्या हो चुका है, आंसर हो चुका है, ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार एसएससी में पूछा जा चुका है, इस टाइप का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो मेन कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे यही रहता है भाई, आप मैन और बॉय की क्या निकाल दो, रेशो निकाल दो, किसकी, एफिशिएंसी, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए मैन, ए वुमेन एंड ए बॉय टुगेदर, एक मैन है, एक वुमेन है और एक बॉय है, कितने दिन में भाई, 6 days में। If a man and a woman can do work in 10 and 24 days, एक मैन कितने दिन में, 10 days में, और एक वुमेन कितने दिन में, 24 days में। तो LCM कितना आ गया भाई, 120 ले लेते, ये हो गया एफिशिएंसी 20, मैन की कितनी आ गई 12 और वुमेन की कितनी आ गई 5। तो हमें क्या कहता है, द डेज टेकन बाय ए बॉय, ये बॉय यानी एक बॉय से काम करवाना है। तो एक बॉय की सबसे पहली चीज क्या निकालनी है, एफिशिएंसी हमें निकालनी पड़ेगी। देखो एक मैन, एक वुमेन और एक बॉय की एफिशिएंसी कितनी है, 20, एक मैन की कितनी है 12, एक वुमेन की कितनी है 5। तो बॉय की कैसे मिलेगी, बॉय की एफिशिएंसी मिलेगी 20 माइनस का 12 और 5 कितना हो गया, 17। तो बॉय की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 3। एक बॉय की एफिशिएंसी कितनी है भाई, 3 है, तो कितने दिन लग जाएंगे, 120/3 यानी कितने दिन लग गए, 40 दिन। तो ये 40 days जो ऑप्शन नंबर सी जो हमें दिखता है वो हमारा क्या है भाई, इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो ये क्वेश्चंस थे आपके आज के सेशन के, ठीक है। तो इन्हीं क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, प्रैक्टिस आउट करना है। तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप करोगे उतना ज्यादा आपका बेनिफिट होगा, क्योंकि मैथ्स में सिर्फ और सिर्फ चीजें क्या मैटर करती है, प्रैक्टिस,
क्या मैटर करती है? प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतने ज्यादा क्वेश्चंस आप लोग बना पाओगे, ठीक है। और अगर किसी का कोई डाउट है और अगर किसी का इन क्वेश्चंस में कोई डाउट आता है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शंस में लिख सकते हैं, कमेंट सेक्शंस में भी लिख सकते हैं। और अगर आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, कोई भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें भी आपकी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स होती है, तो वो जो टेलीग्राम चैनल है हमारा वो है क्वांटिट्यूड के नाम से। टेलीग्राम पे जाके क्वांटिट्यूड आप सर्च करिए, आपके पास ग्रुप सजेस्ट हो जाएगा। स्पेलिंग है QUANTITUDE क्वांटिट्यूड, ठीक है। तो इसको ज्वाइन करिए और अपने प्रॉब्लम्स वहां पे शेयर कीजिए, आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड हो जाएंगे। तो चलिए जुड़े रहिए हमारे साथ कल की वीडियो के लिए। कल जो होगी आपकी क्लास 3 होगी, इससे थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चंस लेके आते हैं, तो कल मिलते हैं।